हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट वीडियो तक आपने देखा था हम लोग केदारनाथ के मंदिर की लाइन पे लग गए थे, तो इसको बस वहीं से चालू करते हैं इस वीडियो को। और यहां से आप देख रहे हैं हम लोग यहां मंदिर की लाइन पे लगे हुए हैं। दरअसल हम लोग यहाँ पर नंगे पाँव थे, और नीचे जो था वो बर्फ़ का पानी था, और वो इतना ठंडा था कि हम नंगे पाँव चल तो रहे थे, लेकिन हम जबकि पैर की बैंड बज रही थी। और ये हमारा केदारनाथ का जो मंदिर है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। और जो पीछे कुदरत का नज़ारा है वो इसको और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। तो ये मंदिर है, और इस पे जाने के लिए लगभग 1.5 घंटा हमें लाइन में लगना पड़ा, उसके बाद हम लोग जा सके। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपको एक नंदी बैल दिख रहा है। तो यहाँ बाहर एक नंदी बैल है, और मंदिर के अंदर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी एक नंदी बैल होंगे, और जो 5 पांडव हैं उनकी दीवार की साइड्स पर मूर्तियां बनी हुई हैं। उसके अलावा बिल्कुल सामने एक शिवलिंग है, जो कि एक अलग से आकार पर है, नॉर्मल आकार में नहीं है। तो आप लोग ज़रूर जब भी जाएं तो ज़रूर इसका दर्शन कीजिए। मंदिर के अंदर का हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो बाहर से बस जहाँ तक लेकर जा सकते थे फ़ोन वहाँ तक लेकर चले गए। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले, ये उसकी तस्वीर है, और ठीक मंदिर के पीछे यहाँ एक भीमशिला है। तो ये वही पत्थर है जो 2013 में हिमालयन सुनामी के टाइम पे आ गया था, और मंदिर के पीछे ढाल की तरह रह गया था। तो टेंट ढूंढने के बाद, और फिर उसके बाद हम खाना खाने चले गए, और वहाँ से वापस आके हम थोड़ा 5-10 मिनट बैठ के यहाँ पे हेलीकॉप्टर स्पॉटिंग कर रहे थे। कहते हैं केदार बाबा के दर्शन तब तक पूरे नहीं हैं जब तक आप लोगों ने भैरवनाथ के दर्शन ना किए। तो बस फिर उसके बाद प्लेन स्पॉटिंग करने के बाद हम भी चल गए भैरव बाबा की तरफ। ये छोटा सा आधे किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको भैरवनाथ के मंदिर की तरफ ले जाएगा, और हम जिस टाइम पर गए थे तो इस रास्ते के दोनों तरफ ही बर्फ़ थी, और काफ़ी सारे लोग बीच में बर्फ़ में खेल भी रहे थे। प्लस अगर आप यहाँ आए हैं और बर्फ़ है तो ज़रूर खेलने में भी आनंद लीजिए। और यहाँ जो है रास्ता बीच बीच में कुछ जगहों पे ऐसा था कि काफ़ी स्लिपरी सा था, जैसा आप ये देख सकते हैं इस जगह पे। तो जब आप भी जाएं तो थोड़ा, अगर स्लिपरी हो रास्ता तो ऐसे रास्तों पे थोड़ा देखकर ही चलें। यूजुअली जो है मई में आपको इतनी बर्फ़ नहीं मिलती है, लेकिन इस बार मान लीजिए कि बाबा जी की कृपा थी कि पूरा का पूरा बर्फ़ से भरा हुआ था। आप अगर नॉर्मल टाइम्स पर, आप अगर सेप्टेम्बर अक्टूबर में ऐसे मौसम में आएंगे तो ज़रूर आपको इतनी इतनी बर्फ़ मिलेगी, और आपको स्नोफॉल भी ज़रूर देखने को मिल सकती है उन महीनों में। हम जिस दिन गए थे तो हमसे एक दिन पहले बर्फ़ पड़ी और एक दिन बाद में बर्फ़ पड़ी। जिस दिन हम गए उस दिन स्नोफॉल नहीं हुई, हल्की सी बूंदाबांदी ज़रूर हुई थी, लेकिन मौसम जो था काफ़ी अच्छा हो गया था। और आप मतलब ऐसी जगह पर आओ, इतने अच्छे मंदिर पर इतना ट्रैक करके आओ, तो सारी थकावट जो थी हमारी जितनी भी थी उस ट्रैक करके आने के बाद, बस ये सब देख कर दूर हो गई। और ये आधा किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करके हम ऊपर भैरवनाथ के मंदिर पहुंच गए। तो ये एक ओपन मंदिर है, खुला सा है बिल्कुल, और आप जो है यहाँ आइए, अपनी पाठ पूजा कीजिए जो भी आपको करनी है,
और उसके बाद आप अपना 5-10 मिनट प्रे करने के बाद जैसा मर्ज़ी यहाँ से फिर बस आप नज़ारों का लुत्फ़ लीजिए उसके बाद, और जैसा कि हम लोग ने भी किया। जब हम जाने वाले थे तो पता नहीं था कि रास्ता खुला होगा या नहीं होगा या कैसा होगा, लेकिन ऊपर पहुंच के हमें तो तोहफा सा ही मिला था। इतने अच्छे प्यारे दर्शन हुए और उसके बाद इतने अच्छे व्यूज़ देखने को मिले हमें, इससे बेटर ये ट्रिप नहीं हो सकता था। तो वहाँ जाकर हमने फिर, अब बर्फ़ में थे तो मंदिर में दर्शन करने के बाद बर्फ़ में थोड़ी देर के लिए खेलने चले गए और कुछ मज़े करे, कुछ अच्छे खासी फ़ोटोग्राफ्स खींचे। तो बस वही है, अभी एक स्नोमैन भी था बहुत प्यारा सा किसी ने बनाया हुआ। करीब 40-50 मिनट बाद ऊपर से हम लोगों ने वापस नीचे जाने का सोचा, क्योंकि शायद 6:15 बज रहे थे और हमें लगा था कि 7 बजे जो होती है मंदिर में आरती शुरू होती है। तो फिर उस हिसाब से हम लोगों ने ऊपर से चलना शुरू कर दिया और नीचे एक शंकराचार्य जी की भी मूर्ति है जो कि काफ़ी अच्छी है, तो वो भी ज़रूर देखने में बनती है। और यहाँ से जो है जब आप नीचे जाना वापस शुरू करते हैं तो बिल्कुल सामने ही आपका मंदिर होता है और आपको पूरी की पूरी जो केदार घाटी है तो उसका नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। और एक बहुत ही प्यारा बड़ा सा कुत्ता हमारे साथ साथ चल रहा था, वो भी नीचे, पता नहीं ये किसी का पालतू कुत्ता था कि कौन था, बट ये आया और हमें वहाँ पे नीचे जाते हुए मिला, उसके बाद फुर करके कहाँ भाग गया हमें भी पता नहीं चला। और 15 मिनट में ही हम लोग ऊपर से नीचे तक पहुँच गए, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। यहाँ नीचे आके हमें पता चला कि यहाँ पर भी एक भंडारा लगा हुआ था, कोई अलवर से शायद आए थे तो उन्होंने कहीं यहाँ पे अपना भंडारा लगा के रखा हुआ था। और यहीं चलते चलते हम लोगों को लोग मिले जो वहाँ पे खाना खा रहे थे। खैर हमने तो खाना खा लिया था और हमें पता नहीं था, बट इन फ्यूचर अगर कोई जाना चाह रहा है तो आप देख सकते थे जैसे ही आप भैरव बाबा के वहाँ से नीचे उतरेंगे तो वहीं आगे जाके जो है आपके पास भंडारा होगा लगा हुआ, तो आप जाइए और वहाँ पर भी आप जाके खा सकते हैं खाना। और फिर आगे चल के यहाँ से हमने ब्रिज क्रॉस करा और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो है वापस आप केदारनाथ वाले मंदिर की साइड आ जाते हैं। तो उधर यहाँ पे आप वैसे देख भी सकते हैं लोग जो है वो भंडारे से वहाँ से लेकर खाना खा रहे हैं, तो आप भी खा सकते हैं बिल्कुल। और नीचे से जो है यहाँ से अपनी मंदाकिनी नदी जा रही है इस ब्रिज के, और आप जो है देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ब्रिज इन्होंने बनाया हुआ है, काफ़ी मज़बूत है। तो अब इसके बाद जो है हम लोगों को डिसाइड ये करा कि हम लोग पहले, क्योंकि अब हमारे पास टाइम था, हम जल्दी नीचे पहुंच गए, तो हमने सोचा कि शंकराचार्य जी के वहाँ पे चलते हैं और वहाँ जाके उनकी मूर्ति देखते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी मतलब लोकप्रिय है लोगों के बीच में। तो शंकराचार्य जी की मूर्ति को रास्ता यहाँ ब्रिज से राइट टर्न करके निकल जाता है, आते हुए हम लोग लेफ्ट साइड से आए थे और अभी जाते हुए हम इधर से जा रहे हैं। और कई लोगों ने अपने साथ जो टेंट भी लेकर आते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं साइड पे, जैसे और लोगों ने भी लगाए हुए थे। तो यहाँ पे आगे जाने से शंकराचार्य जी की मूर्ति से पहले यहाँ एक दीवार बनाई हुई है, ये दीवार जो है बेसिकली इस मंदिर को बचाने के लिए कि अगली बार बाय चांस फिर से कभी 2013 जैसा हादसा होता है तो जितना भी पानी है वो जो है दीवार से लग लग कर साइड से ऊपर निकल जाए और मंदिर और उसके आसपास वाले इलाके को कोई तकलीफ ना हो। और यहाँ पे इन्होंने वैसे ही हिमालयन सुनामी का दे रखा था और शिव जी के जितने भी रूप होते हैं, काफ़ी सारे रूप हैं, तो उन सब के बारे में इन सब पोस्टर्स में काफ़ी डिटेल में अच्छा सा लिखा हुआ है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप भी जाएँ तो ये इन्हें भी ज़रूर आप मिस मत करना, काफ़ी अच्छी डिटेल्स दे रखी हैं। मुझे भी खैर इनमें से कईयों के बारे में नहीं पता था, तो होपफुली अगर आपको नहीं पता हो तो आप भी ज़रूर जाए और शिव जी के बारे में जानिए। उनके हम लोग केदार बाबा के घर पे गए हैं तो ज़रूर हमें उनके बारे में भी सारी की सारी जानकारी पता होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे कि ऐसे दीवारों पर ये सब लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं आते हुए।
तो ये सारी जो दीवार पे पोस्टर्स लगे हुए थे उन सबको देखने के बाद हम श्री आदि शंकराचार्य की समाधि की तरफ चले गए। तो आप भी यहाँ से जाएंगे और ये काफ़ी अच्छा मतलब सजाया हुआ था और प्लस साथ में जो बनाया हुआ है तो ये काफ़ी मॉडर्न बना है और आप ऊपर से ऐसे उस मूर्ति को भी निहार सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत मूर्ति है जैसे पास जाएंगे तो। और सबसे ख़ास बात ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे नीचे चलते जाएंगे तो साथ के साथ आपको यहाँ पे सारे के सारे जो मतलब मंत्र हैं वो भी मिलते जाएंगे। तो उन्हें हालांकि पढ़ने की कोशिश मैं भी कर रहा था, बीच में कुछ पढ़े जा रहे थे और कुछ नहीं पढ़े जा रहे थे। तो ज़रूर इन सब का जाप करते हुए जाइए और ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवोवंदनां मृत्युमोक्षिमामृतां। तो यहाँ पे अपना वो भी लगा हुआ है और साथ में काफ़ी सारे मंत्र हैं तो सब आप इन सब का उच्चारण कर सकते हैं और उच्चारण करते करते आप लोग जो हैं शंकराचार्य जी के पास पहुँच जाएंगे नीचे। और नीचे उतरने के बाद सामने ही आपको ये शंकराचार्य जी की मूर्ति दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूर्ति और मूर्ति के पीछे पहाड़ देखिए आप साथ में। और हमें नीचे आके पता चला कि जो आरती है वो रात को 7:30 बजे शुरू होती है। तो हम नीचे आए और नीचे आके फिर हमने आरती का आनंद लिया। आरती आधे घंटे की करीब आरती अटेंड करने के बाद हम लोग फिर वहाँ से अपने टेंट की तरफ चले गए और हमने वहाँ जाके अपना खाना खाया और उसके बाद सो गए। तो सोते पता ही नहीं चला कैसी नींद आ गई क्योंकि पूरे दिन की थकावट हो रखी थी। और फिर बस यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम अगली वीडियो में। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।